नहीं मट्टी को हाथ में, सभी कहेंगे फिर फजर ने हाथ गंदे किए हुए। इधर आओ, जुबान नहीं करो। तुम जीत गए हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी एक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम फजर और मोहम्मद सुबहान स्कूल से वापस आ गए और हम लोग आ चुके हैं जी दरिया पे। तो दरिया पे हम ऐसे घूमने फिरने नहीं आए, हम लोग आए हैं काम करने के लिए। उस साइड पर सारा गन्ने का खेत था, तो मैंने कहा बीचों बीच जाएँगे तो वो उसके काफ़ी सारे जो है ना ज़ख़म हो जाते हैं, चीर आ जाते हैं, इसलिए हम लोग उधर से आए हैं और उस साइड से होते हुए और अभी हम लोग जा रहे हैं इधर, क्योंकि हमने जाना है वो अपनी उस वाले गन्ने के खेत में। मैंने कहा बच्चे भी थोड़ी सी भाग दौड़ कर लेंगे और साथ में हम लोग अपना काम कर लेंगे। आज तारिक साहब ने इस वाले खेत को लगाया हुआ था पानी और साथ में हमने इसको डाली है आज फिर से दवाई। इस वाले के ना वो जो साथ है छोटा, ये बड़ा हो गया माशाल्लाह, ये तैयार है, अभी इसकी कोई खुराक नहीं चल रही। बाकी इसको थोड़ी सी बीमारी लगी हुई है, उसको भी तारिक साहब ने चेक करवाना, वो भाई साहब जो है ना वो आ रहे हैं तो उनको चेक करवाएंगे। तो बाकी कल उसकी जो है वो फिर जो भी दवाई होगी देंगे, फिर इसको देंगे। मम्मा जी शूज उतार दे। उतार दो, अभी पाँव कितने प्यारे प्यारे हैं ना, स्कूल से आए हो ना, बंद जूते पहन के जाते हो तो साफ रहते हो। आपने नहीं उतारने, इसने फिर पहनना मुश्किल हो जाएगा। चले अभी हम लोग चलते हैं आगे अपने काम के लिए, आज माशाल्लाह जी अभी हम लोग ना पहुंच चुके हैं अपनी असल लोकेशन पे। इधर इधर से होके आए हैं क्योंकि जहाँ जहाँ पे रास्ता बना हुआ है ना उधर ही बंदा चल सकता है, वरना नीचे ना पाँव बिल्कुल नीचे चले जाते हैं। और आज दरिया में थोड़ा थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया, पहले की नस्बत पहले काफ़ी कम था, उधर से बिल्कुल उस साइड से खुश्क था, लेकिन अभी वहाँ पर भी पानी आ गया। अभी मैं फिसल के गिरी थी और हमारे जो गन्ने का खेत है इसमें गन्ना कम और सिर की ज़्यादा नज़र आती है, काना सिर की, जिसको ये किसने बड़े है? हाँ जी ये तो किकर। हाँ जी ये भी कटाई हुआ पड़ा है। तो आज हम लोग आए हैं जी इधर से लकड़ियाँ अपनी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे शहतूत के दरख्त हैं और उसको जो है ना अयालियों ने कटाई कर दी है। हमने कहा चले हम लोग अपनी लकड़ियाँ जो है इनको इकट्ठी करके आते हैं, इससे पहले कि हमारी लकड़ियाँ कोई उठा ले। सर्दियों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी। जी 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 आ जाओ, भाग के आओ, आओ बेटी फजर। चले भाई बच्चे आ गए, बच्चे ने काफ़ी ना खेल कूद कर लिया और भाग दौड़ लिए। माशाल्लाह जी ये जो है ना बूर इतना खूबसूरत लग रहा है। तारिक साहब और फजर बेटी जो है ना वो आगे चले गए, मैं और मोहम्मद सुबहान हम पीछे हैं। तो यहाँ पे जानवरों ने चल चल के ना ऐसे इसमें वो कर दिए इतने बड़े बड़े सुराख से। आ जाओ, मैंने कहा ये वाला हमारा गन्ना का खेत गिर गया। हाँ तो बड़ा हो गया था ना इस वजह से गिर गया, बड़ा हो गया था सही, लेकिन फिर भी तभी गिरना नहीं चाहिए था ना। लेकिन तारिक साहब हम लोग उधर जाते हैं बाजार तो रास्ते में वो कितने बड़े बड़े खेत गिरे पड़े। हाँ पानी ज्यादा लगा, नरम जमीन आई ना। हाँ जी रेत वाली जमीन है ना सारी, इसलिए यहाँ पे आके ये खत्म हो जाता है, इधर से किसी और का आके शुरू हो जाता है। ये वाला खेत खाली पड़ा है, इसमें अभी लोग जो है ना गंदम काश्त करेंगे। नहीं गन्ना नहीं पठे कणाक, वही गंदम कणा की शैतान ने भी गन्ना काश्त करेंगे। नहीं गंदम का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी खेत जो है वो देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं वापस। इधर तो नहीं जाना, यहाँ पे सारे वो है ना इस वजह से वो है, इस वजह से इधर ना ऊपर ऊपर चलते हैं। तारिक साहब और बच्चे वो आगे जा रहे हैं, सूजी और जैक आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इस साइड पे ना धुआं, अभी जैसे ही फसलें जो है वो जलाई जाएंगी तो फिर से स्मोक जो है वो शुरू हो जाएगी। वैसे जो धुंध पड़ती है ना सर्दियों की वो तो तकरीबन जनवरी में या दिसंबर के एंड में पड़ती है, लेकिन ये जितनी भी धुंध होगी फोग होगी ये तो होगी फसलों की, जो फसल कटाई के बाद जला देते हैं। वैसे इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, हम लोग भी वैसे जलाते हैं, ये नहीं कि हम नहीं जलाते, हम भी जला देते हैं। जब ये गन्ना खसूसी तौर पर होता है ना तो इसका नीचे वाला छिलका जो होता है वो जला देते हैं, फिर क्या करें इतने को कहाँ ले जाएं, काफ़ी ज़्यादा होता है। तारिक साहब इधर से ना देख लो, आपने कपड़ों का हाल देखना, मटी मटी हो गई हो।
सब लकड़ियाँ सेट करके रख रहे हैं, क्योंकि ये वाली लकड़ियाँ जो हैं ये बैलगाड़ी पे लेकर जानी पड़ेंगी, ऐसे हम नहीं लेकर जा सकते, है ना तारिक साहब? मैंने कहा ये बैलगाड़ी पे लेकर जानी पड़ेंगी, काफ़ी सारी हैं, उधर भी इतनी पड़ी हुई हैं माशाल्लाह। हाँ जी बस। अच्छा ना, ये कांट छांट हो गई है और ऊपर से फिर ये दोबारा से इतने ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर जितने भी पौधे खड़े हैं वैसे भी इनकी वो ज़्यादा नहीं है कांट छांट, इसकी भी अभी जैसे ये खड़ा नीचे एक इतनी ज़्यादा, ये है क्या बोलते हैं इसको, दब्बड़, पंजाबी में हम लोग ना इसको दब्बड़ बोलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, आप लोग भी कहेंगे कि आपने चश्मा की उठाओ, ये मोहम्मद सुबहान का है, वो उसने उठाया है, अपने बैग से निकाला, बैग में साथ लेकर जाता है, पहन के जाता है फिर बैग में डाल लेता है, तो वो उसने उठाया हुआ था, उधर उसने फेंक दिया, फिर मैंने उठा लिया। मैंने कहा अभी इसको उठा लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना फिर गुम हो जाना था, समझ लें। तो अभी तारिक साहब सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और फिर हम लोग निकलेंगे घर, हमें था कि थोड़ी बहुत होंगी तो फिर हम इनको खींच के लेकर जाएंगे, जैसे ही आए हैं इसी तरह खींच के लेकर जाएंगे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हैं तो ये हमसे खींची तो नहीं जा सकती, तो हम लोग जो है ना बैलगाड़ी लेकर आएंगे, हमसायों की, हमारी बैलगाड़ी नहीं है तो उस पर फिर लेकर जाएंगे, उधर उस साइड से रास्ता है उधर से लेकर जाएंगे, इनको खींच के इस साइड पे लेकर जाएंगे और उधर से फिर घर वापस लेकर जाएंगे। हैं भी इतने बड़े बड़े, वो बड़े बड़े छापे, इनको छापे बोलते हैं। यहाँ पे इसको कहीं चूहा नज़र आ गया है जिसका ये शिकार करने वाला है, चूहा नज़र आया, ये छिपकली वगैरह नज़र आ गई। सूजी इधर देख रहा है, वो इसका बॉडीगार्ड ऊपर खड़ा हुआ है बड़ा, फजर और मोहम्मद सुबहान खेल रहे हैं और इस साइड पे ढोल की इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है कश्ती पे। तारिक साहब ने ये वाली लकड़ियाँ जो है वो इकट्ठी कर ली हैं और अभी वो चले गए हैं उधर से इकट्ठी करने, चले बस उधर और नहीं है। सही। तो तारिक साहब जो है ना वो बोल रहे हैं कि ये लकड़ियाँ हम ऐसे नहीं लेकर जा सकते हैं, कुल्हाड़ी लेकर आएंगे और कुल्हाड़ी से इनको काट के और फिर इनकी ऐसे ना गांठ जो होती है वो बांध के सर पे लेकर जानी पड़ेंगी, क्योंकि इस साइड से रास्ता काफ़ी ख़राब हो गया है, क्योंकि वो आते जाते हैं, मैं तो इधर नहीं आई हूँ, तो रास्ता काफ़ी ख़राब हो गया जिसकी वजह से ना वहाँ पर बैलगाड़ी भी आना काफ़ी मुश्किल है, इस वजह से अभी हमें इनको इधर से ही और फिर इधर से इस रास्ते से लेकर जानी पड़ेगी। तो फिर हम लोग ना इनको आज तो नहीं, क्योंकि इस पर काफ़ी मेहनत होनी है, सारा दिन लगेगा, या तो हम किसी को वंगार डालेंगे कि हमारे साथ वो करवाएगा, तो उसके बाद फिर हम इनको लेकर जाएंगे। ये कि तारिक साहब तो कह रहे थे आप रहने दें, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम लोग ना उठा लेते हैं, तंदूरी में जलाने के काम आएंगी, वैसे तो उसमें हम लोग बड़ी लकड़ियाँ भी इस्तेमाल कर लेते हैं, साथ में हम लोग पाथियाँ जो है वो भी मैं बनाती हूँ तो वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं जो गोबर की बनती है वो। तो बस चश्मा फिर से मेरे हाथ से गिर गया था, वो सभी जा रहे हैं और मैं इधर ही खड़ी हुई हूँ बातों को लगी हुई। चलो देख लो अब, मामा जी ये लो इधर लाओ, अब ऐसे जाओगी, जूते का हाल देखो। तो इसने कहा कि मामा, इसने मुझे पहले डील कर ली थी कि मैंने वहाँ पे कपड़े ख़राब करने, मैंने कहा चलो कर लेना कोई बात नहीं, वैसे तो मैं इनके रोज़ ही कपड़े धोती हूँ, तो मैंने कहा आए 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 इधर से नहीं जा सकते, कहाँ से, इधर से जाना। ये भी एक छापा उतरा पड़ा है, ये भी किसी ने उतारा है, बकरी वाले ने उतारा है, हैं आज धनिया है, ये धनिया नहीं है। अच्छा यहाँ पे ना एक छोटी सी ऐसी ये वाला पौधा हुआ हुआ है इस तरह का ना छोटा छोटा, मोहम्मद सुबहान कह रहा है कि धनियों के अंदर नहीं जाना, सारी धनिया ख़राब कर इसको, है कि ये वो धनिया है, ये धनिया नहीं है, ये ऐसे पौधा है बीच में हो गया, नहीं धनिया नहीं है, आ जाओ। निके निके पट्टे हैं, कपड़े नहीं गंदे करने। दलीला जी अभी सूरज जो है वो यहाँ से भी नज़र आ रहा है और हम लोग वापस आ चुके हैं अपनी इधर गन्ने वाले खेत में, तो यहाँ पे मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा दरख्त नज़र आया शहतूत का, तो पहले मैंने इसको देखा था तो बहुत छोटा था और अभी थोड़ा बड़ा हो गया, और हम लोग जाते हुए अपना तासला इधर ही रख गए थे, आज हमने लगाया हुआ था इस गन्ने के खेत को पानी, और ड्रम हमारा इधर ही खड़ा है जिसमें हमने ना दवाई डाली थी। तारिक साहब बोलते हैं आप रहने दो, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसने यहाँ पे ज़ाया हो जाना है, क्योंकि जब इसकी कटाई होनी है ना तो समझ लें ये ख़त्म हो जाएगा। हमने एक नीम का दरख्त लगाया तो वो माशाल्लाह हमारा काफ़ी बड़ा हो गया, तो मैंने उनको बोला है कि हम ना इसको भी लेकर चलते हैं, तो हम ना इसको भी अपने घर के ना सेन में लगा देते हैं,
क्योंकि ये इतना प्यारा है माशाल्लाह से। तो अभी हम इसको ना निकालना शुरू करते हैं। इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गई होंगी और बाकी ये मिट्टी जो है वो भी काफ़ी नरम है। माशाल्लाह जी यहाँ पे हमारा आराम से तरी सब आराम से ये लेता असला मैंने थोड़ा करीब कर दिए ताकि इसकी जड़ को कोई नुकसान ना पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आराम आराम माशाल्लाह माशाल्लाह साथ में मिट्टी लगा ले दिखा जी जी। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे हमने ना अपना ये इतना बड़ा सा पौधा जो है वो निकाल लिया और फिर हमने इसको डाल लिया तासले में। अब हम इसको लेकर जा रहे हैं घर। तो माशाल्लाह देखें ये कितना खूबसूरत है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमारे घर में हो जाएगा। अभी हम लोग जी ये साग है और साथ में शलजम है। तारिक साहब इसको तो बीमारी तो नहीं लगी हुई? ये पत्ते में सुराख हो रहे हैं। स्प्रे करते हैं अभी वो मकई का करना है उस साथ में इसको भी खा देंगे। ठीक हो गया। ये शलजम और साग है तो इसमें वो थोड़ा सा मैंने कहा तारिक साहब से कि हम ना इसमें स्प्रे वगैरह कर दें क्योंकि इसके पत्ते ऊपर से ना ख़राब हो रहे हैं। फजर बेटी जो है वो पहले ही घर पर भाग के चली गई है क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम लग गया था। बस इधर से ही हमने निकाला है तो इधर सामने हमारा घर है। सुबहान उदय माशाल्लाह हमारे घर के साथ वाला साग जो है ना इसको पहला पानी लगेगा तो ये तैयार हो जाएगा। चंगा मच रही हो तारिक साहब। मुर्गियों को भगाएं ये इसमें चली गई हैं सारे सारे ये चुन लेंगे इसमें से क्योंकि अभी ये छोटा छोटा नरम नरम है निकल रहे हैं पालक है साथ में मेथी और धनिया तो ये इधर चली जाती है फिर ऊपर ऊपर से ये सारे पत्ते चुन लेती हैं। मारें आगे जाके तो माशाल्लाह जी यहाँ पे हम लोग जो है ना लेकर आ चुके हैं अपना खूबसूरत शहतूत का दरख्त। कभी इस पे शहतूत लगेंगे मीठे मीठे तो हम लोग खाएंगे। तो इसको रखते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग फैसला करते हैं कि इसको लगाना कहाँ पे है, यहाँ पे लगाना है या वहाँ पे लगाना है। यहाँ पे इसके सेंटर में लगाते हैं। तारिक साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पे सेंटर में लगाते हैं और मैंने कहा कि ये वाला पौधा उखाड़ के इधर लगाते हैं। तो अभी बस जैसे तारिक साहब कहते हैं वैसे करते हैं। और माशाल्लाह घर जो है मैं चमका के गई थी और ये बंदा घर आके मुंह हाथ धो के अभी वो फेयर एंड लवली लगा रही है। मेरी कभी कभी ना बातें वो नहीं आती हैं। आज भी मैंने कपड़े धोए थे फर्स्ट टाइम। पहले तो मैं तो अपने कपड़े जो है ना हाथ धो के उनको उतार लेती हूँ क्योंकि ये फिर गिरते फिरते रहने हैं। और तारिक साहब तब तक अपना फैसला करते हैं। आपकी सब जो आंटी हैं ना वो बोलती हैं कि फजर को कहो बाल बांध के रखा करें। अभी फजर बोल रही है कि मैं पोनी उतार देती हूँ, बुरी लग रही है, कह रही है पोनी बुरी लग रही है। वो सभी कहते हैं कि फजर बेटी आप ना पोनी कर के रखा करो, बाल बांध दिया करो फजर के। यहाँ पे ना तारिक साहब अभी ये लगा रहे हैं जी खड्डा। हमने बहुत ज़्यादा इस साइड पे नहीं किया, मैंने कहा यहाँ पे ऐसे गुलाई दे के ना इधर कर देते हैं ताकि हमारी ये वाली सारी रविश जो है ना वो ख़राब ना हो। कस्सी की ज़रूरत है तारिक साहब? नहीं सर। तो यहाँ पे तारिक साहब जो है ना उन्होंने इसमें ना गड़ा बना दिए और अब हम इसमें रखने वाले हैं फाइनली दरख्त। तारिक साहब ने बोला है कि ये दरख्त आपने रखना है, वो उन्होंने रखा था और माशाल्लाह वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और अभी ये मैं रखती हूँ, अल्लाह करे हो जाए। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह खराबा ना हो। बस पहले तो इसमें ये वाली मिट्टी डाल लेते हैं क्योंकि इसमें ना रेत बहुत ज़्यादा है, डर लग रहा है। वैसे आप ही रख देते तो अच्छा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हम रख रहे हैं जी माशाल्लाह। बताएं अब सीधा। तो यहाँ पे हम जो उधर से मिट्टी लेकर आ रहे हैं ना वही डालते हैं। ये उसी मिट्टी में पला पड़ा है तो हमने कहा कि यही मिट्टी साथ लेकर जाते हैं ताकि इसी में ग्रोथ करें। ये अब आप इसकी सेटिंग कर दें, ये कर दें फिर मैं इसमें वो वाली रेत उठा लूँगी। तो माशाल्लाह जी पौधा हमारा जो है वो लग चुके हैं और साथ में तारिक साहब ने बनी भी बना दी और अब हम इसमें डालते हैं पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों साइडों पे बनी बनाई है ताकि पानी जो है ना उधर उधर ना जाए। नहला दें? नहीं नहीं छोड़ दो बस। नहलाना नहीं है?
चलिए जी, तो माशाल्लाह हमारे घर में एक और पौधे का इजाफा हो गया। एक वो वाला पौधा था, एक ये था। बस एक वो जो खड़ा है वो मेरी आंखों को बड़ा वो लगता है, मैं कहती हूँ उसको कहीं उखाड़ दे, लेकिन तारिक साहब को पता नहीं उससे बड़ी मोहब्बत है, ये उसको निकालने नहीं देते हैं। तो कहते हैं मैं नया पौधा कोई लेकर आऊँगा तो फिर हम उसको उधर से उखाड़ेंगे। तो इस टाइम जी मैंने यहाँ पे डाली थी चटाई, क्योंकि शाम हो चुकी है और फजर और मोहम्मद सुबान जो है ना उनकी पढ़ाई चल रही है। फजर पढ़ रही है, मोहम्मद सुबान तो नहीं पढ़ रहा अभी। सब ने फिर कहना है कि मोहम्मद सुबान अच्छा बच्चा नहीं है। कह मैंने इसको डराया, मैंने कहा सभी कहते हैं कि मोहम्मद सुबान अच्छा बच्चा नहीं है, कहना नहीं मानता है, तो फिर ये कहना मानना शुरू हो जाता है। तो अभी बस मगरिब की नमाज़ का टाइम होने वाला है, बस मैं वज़ू कर चुकी हूँ, नमाज़ पढ़ूंगी और इस व्लॉग का हम ना यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप दुआओं में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।